रफाइल्स के रिगार्डिंग एक नया अपडेट है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और फ्रांस की 26 मरीन रफाइल्स के लिए सेकेंड राउंड की डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी लास्ट मंथ ही फर्स्ट राउंड की नेगोशिएशंस में रफाइल्स के बेस प्राइस फाइनल होने की रिपोर्ट्स आई थी, सो अभी ये फर्दर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं। इन नेगोशिएशंस को इंडियन साइड से डिफेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी रैंक IAS ऑफिसर और इंडियन नेवी की तरफ से कॉमोडोर रैंक ऑफिसर द्वारा लीड किया जा रहा है, और फ्रेंच डेलीगेशन में डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, डसॉल्ट एविएशन और थेल्स ग्रुप के ऑफिशियल्स शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्रांस की तरफ से 26 मरीन रफाइल्स के लिए 56,000 करोड़ की बिड को सबमिट किया गया है, बट डिफेंस मिनिस्ट्री की पूरी कोशिश है कि फ्रांस द्वारा सबमिट की गई बिड में कुछ और नेगोशिएशंस करके एक बेस्ट डील को लॉक किया जा सके। ये 26 रफाइल एम यानी रफाइल मरीन्स इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए एक्वायर किए जाएंगे। अभी करंटली इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर MiG-29 के फाइटर जेट्स तैनात हैं, बट इनकी मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज की वजह से इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिली। और दूसरा, ये रिटायरमेंट फेस में भी एंटर कर चुके हैं और फेस आउट प्रोसेस रफाइल्स की एक्विजिशन के बाद ही स्टार्ट होगा। इन रफाइल्स को इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करवाया जाएगा और नेवी ने इसके लिए कई तरह की एनहेंसमेंट्स को लेड आउट किया है। कुछ एनहेंसमेंट्स तो सेम होंगी जो इंडियन एयरफोर्स के रफाइल्स में करवाई गई थी, बट कुछ और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कस्टमाइजेशंस भी होंगी, जैसे कि एयर टू सी मोड के लिए सॉफ्टवेयर चेंजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी में चेंजेस और कई और सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपग्रेड्स, जिससे ये फाइटर्स इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए फुली कंपैटिबल और एफिशिएंट हो सकें। मरीन रफाइल्स की सिलेक्शन से पहले नेवी द्वारा रफाइल्स के साथ बोइंग द्वारा ऑफर किए गए FA-18 सुपर हॉर्नेट के ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए थे, और ट्रायल्स के बाद नेवी ने रफाइल्स को चूज़ किया। और इस साल मई एंड में ऑफिशियली इंडिया और फ्रांस की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। ये रफाइल्स डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशंस में ही परचेज किए जाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट के नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं कि प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में सेट किया जा सके। बट फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी पहले कहा जा चुका है कि अगर इंडिया इंडियन एयरफोर्स के 114 MRFA प्रोग्राम के लिए रफाइल्स को सिलेक्ट करता है, तो हम रफाइल्स की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में सेट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कम नंबर्स के लिए प्रोडक्शन लाइन को दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश करना ना तो उस कंट्री के लिए फ़ायदेमंद होता है, ना ही बायर कंट्री के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन की सेटअप कॉस्ट तो फिक्स रहेगी और उसमें अगर कम एयरक्राफ्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी। बट अगर उसी लाइन पर लार्ज नंबर्स में एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं तो सिंपल है कि पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट कम होगी। नाउ IAF के पास जो 36 रफाइल्स हैं उनका एग्रीमेंट 2016 में हुआ था, जिसकी टोटल एक्विजिशन कॉस्ट करीब 59,000 करोड़ थी, जिसमें एयरक्राफ्ट के साथ स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स या मॉडिफिकेशंस और एक्स्ट्रा मिसाइल्स और अदर इक्विपमेंट इंक्लूडेड था। बट अभी 26 रफाइल्स के लिए फ्रांस ने, जैसे हमने बात की, 56,000 करोड़ की बिड सबमिट की है, सो इसके अकॉर्डिंग इन रफाइल्स की कॉस्ट में अराउंड 30% का इंक्रीज़ है। बट जब फर्स्ट राउंड की नेगोशिएशंस क्लोज हुई थी तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि मरीन रफाइल्स की बेस प्राइस में कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं है और करीब करीब उतनी ही है जिस बेस प्राइस पर एयरफोर्स के रफाइल्स को एक्वायर किया गया था। बट ये जो सेम बेस प्राइस की रिपोर्ट्स आई थी, ये अपनी अपनी कैलकुलेशंस पर बेस्ड होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ डील की फाइनल कॉस्ट को पब्लिसाइज करती है, उसमें बेस प्राइस और एनहेंसमेंट कॉस्ट को मैंशन नहीं किया जाता। सो 36 रफाइल्स के एग्रीमेंट के 8 साल बाद आज रफाइल्स की कॉस्ट में करीब 30% का इंक्रीज है। बट अगेन, ये हम रफाइल के बेस प्राइस की बात नहीं कर रहे, ये कंप्लीट पैकेज की बात कर रहे हैं जिसमें मिसाइल्स, एनहेंसमेंट्स और मेंटेनेंस प्रोविजंस शामिल हैं। बट अभी फर्दर नेगोशिएशन राउंड्स होंगे जिसमें ये श्योर है कि इंडिया इसमें और बार्गेनिंग करेगा। मरीन रफाइल्स की प्रोक्योरमेंट को देखें तो नेवी इसको एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के अंडर एक्वायर करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम इन फाइटर्स को बाहर से एक्वायर किया जाएगा, क्योंकि नेवी के लिए एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप किया जा रहा है जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA कर रही है। बट अभी ये प्रोजेक्ट इनिशियल डिजाइनिंग फेज में है। इस एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंट स्टेज इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू CDR को 2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। सक्सेसफुल CDR के बाद और इसके बाद डेक बेस्ड फाइटर की फाइनल अप्रूवल के बाद नेवी इस प्रोग्राम को फंड्स सिक्योर करने के लिए CCS कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखेगी।
इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट वैसे 2026 में प्लान थी, बट अभी CCS अप्रूवल के बाद डेक बेस्ड फाइटर के प्रोटोटाइप को रोल आउट करने में 3 से 4 साल का टाइम लगेगा, मतलब 2029-2030 तक इसका प्रोटोटाइप रेडी होगा और इसके बाद टेस्ट फ्लाइट्स स्टार्ट होंगी। नेवी इन फाइटर्स को पॉसिबली 2 बैचेस में प्रोक्योर करेगी और करंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग पर बैच में 45-50 एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर करने का प्लान है। सो अगेन रफाइल पॉइंट पर आएं तो मॉडर्न और एडवांस्ड फीचर्स से लैस ये 26 रफाइल्स MiG-29s की एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करके इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग और मोर एफिशिएंट बनाएंगे और इंडिया की सी डोमिनेंस को एक एडिशनल पंच देने का काम करेंगे।